गोरखपुर में मंगलवार को 24 घंटे के अंदर 38 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित एक 60 वर्षीय महिला की मौत हुई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 20,767 पहुंच गया है। इनमें 20,092 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 337 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 338 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। मंगलवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो 21 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 8 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा शाहपुर में 5, राजघाट में 2, गोरखनाथ में 4, कोतवाली में 1, रामगढ़ थाना क्षेत्र में 1 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 16 नए मरीज मिले हैं। चरगावा में 8, खोराबार में 4, गगहा में 1, भटहट में 1, बेलघाट में 1, कैंपियरगंज में 1 मरीज मिले हैं। इनके अलावा 1 मरीज अलग थाना क्षेत्र के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।